वेलकम फ्रेंड्स, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बिहार चैनल। तो चलिए सबसे पहले बताना चाहिए, अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर स्किप करते हैं तो बाद में दिक्कत परेशानी आ सकता है। तो चलिए वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग को बताएं कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो आप लोगों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपया दिया जाता था उसका ऑनलाइन बंद कर दिया गया है। तो वो कैसे ऑनलाइन करना है पूरा जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत परेशानी हो सकता है उसको ऑनलाइन कैसे करना है। तो चलिए बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, दो दिन पहले यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ ऑनलाइन का लिंक यहाँ पे डाला हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन का लिंक नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं निर्मित शौचालय के प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु मोबाइल ऐप लिंक। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आवेदन की स्थिति जाने। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स शौचालय अच्छादान से छूटे हुए घरों NOLB बेसलाइन से छूटे हुए लाभार्थी हेतु मोबाइल ऐप लिंक। तो आप यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका अब ऑनलाइन लिंक ऑनलाइन नहीं होगा क्योंकि यहां पे जो है सो मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, टैग फोटो लिया जाता है, आप जिस लाभार्थी के नाम से जो है सो शौचालय निर्माण करवाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, जो टैग फोटो लिया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो टैग फोटो जो है जब यही लिया जाएगा तो GPS के माध्यम से टैग फोटो लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको ऑनलाइन कैसे करना है मोबाइल ऐप के माध्यम से, सबसे पहले क्या करना फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं NOLB है लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे डू यू वॉन्ट टू डाउनलोड ISB लोब एप्स अगेन, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे क्या करना फ्रेंड्स, वो दिखा रहे हैं फिर से, यहाँ पे क्या करना है 3 डॉट पे क्लिक करना है, ये जो देख रहे हैं 3 डॉट, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स डाउनलोड, इस डाउनलोड के अंदर जाना है। इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखा देगा कि आप लोग का ऐप्स जो है सो यहाँ डाउनलोड हो चुका है, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो ये जो देख रहे हैं इंस्टॉल का बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं अपना इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो चलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्म फिल करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लेके चलते हैं। इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा ऐप्स, देख सकते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करना है इस पर क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स पंजीकरण करें और आवेदन की स्थिति जाने। तो जैसे अगर आप लोग आवेदन कर चुके हैं तो यहाँ से अपना स्थिति देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अगर नहीं किए हैं तो आपको क्या करना है, पंजीकरण पर क्लिक करना है, इस पर ये देख रहे हैं, इस पर क्लिक, तो चलिए हम क्लिक करते हैं इस पर। और उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से इंटरफेस आएगा, शौचालय निर्माण हेतु लोब प्रमाण पत्र। तो चलिए मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप फिल करके आप लोग को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं बेनिफिशरी का नाम डाल रहा हूँ, तो आपके माता का नाम यहाँ पर डालना है, जो भी आपका बेनिफिशियरी जिसके नाम से लेना चाहते हैं। उसके बाद अपना पिता का नाम डालना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल्स में, उसके बाद उम्र भर देना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ लिंग मेल है तो मेल, या तो यहाँ फीमेल है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है, देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है, जो भी आधार नंबर आपका हो। ओके फ्रेंड्स, सही डालना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग फंसेंगे तो मैं फिर से यहाँ पे बता देना चाहूँ, शौचालय निर्मित की स्थिति। तो आपको क्या करना फ्रेंड्स, आप जब शौचालय जैसे कि 2 महीना पहले बनाए तो आपको 2 महीना पहले नहीं, आपको क्या करना 5 से 6 महीना पहले की डेट डाल देना आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो यहाँ पर सितंबर में मैं डाल दे रहा हूँ 2019, अक्टूबर दिसंबर में डाल रहा हूँ 25 तारीख। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ओके करना है, यहाँ पे इस तरह से डेट डालना कि शौचालय निर्माण की स्थिति जो है 5 से 6 महीना पहले की डेट डालना। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जिले डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर प्रखंड सेलेक्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं प्रखंड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र यहाँ सेलेक्ट रहेगा, उसके बाद आपका अपना पंचायत सेलेक्ट करना है, तो पंचायत मेरा गोविंदपुर डबली। उसके बाद यहाँ पे सकते हैं ग्राम चुने, अपना ग्राम जो भी है, तो यहाँ पे ग्राम मेरा गोविंदपुर पार्ट इन बछवाड़ा, तो यहाँ पे ये क्लिक कर दिया। उसके बाद वार्ड नंबर 4 है मेरा, तो वार्ड नंबर 4। उसके बाद यहाँ पे पूरा पता आपको, जैसे कि हो ग्राम पोस्ट, तो मैं यहाँ पे 8 इंग्लिश में टाइप कर दे रहा हूँ, 8 प्लस पोस्ट जो भी हो आप अपना इसी तरह फिल कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको टाइप करना है PS मतलब पुलिस स्टेशन,
तो यहाँ पे मंसूर चक, जो भी आपका डिटेल्स हो सेम अच्छा से, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। ओके फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट आपका जो हो वो पूरा टाइप कर देना है। उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पे टाइप करना है। ओके फ्रेंड्स, पिन कोड टाइप करना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए लास्ट में आपको शौचालय निर्माण स्थल के साथ अपने फोटो खींचे, तो बेनिफिशियरी जो आपके जिसके नाम से शौचालय लेना चाह रहे हैं उनको शौचालय के पास खड़ा कर दें और उनका टैग फोटो इस पर क्लिक करना है कैमरे के ऊपर। तो जैसे कैमरे के ऊपर क्लिक कीजिए इस तरह से इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि उसके बाद आपको जैसे पहली बार आप इसको ऐप्स इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको टैग जो है जीपीएस के माध्यम से यहाँ लोड लेगा, कुछ वेटिंग लिखेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लीजिए टैग फोटो, उसके बाद आपको शौचालय के पास अपने बेनिफिशियरी को खड़ा करना है जिसके नाम से लेना है, उसके बाद यहाँ पे टैग फोटो पे क्लिक करना है। तो ये फोटो जो है कैप्चर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, पंजीकरण पे क्लिक करना है। तो जैसे ही पंजीकरण पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या होगा कि इंटरफेस आएगा आपको देखने के लिए कि अगर आप पंजीकरण करना चाहते हैं तो हाँ करें, नहीं तो नहीं करें। तो आपको पंजीकरण करना है तो हाँ करना है। उसके बाद जैसे हाँ करेंगे तो आपको क्या सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आईडी आपको दिया जाएगा, तो उसको क्या करना है फ्रेंड्स, अपने आपको लिख के रख लेना है। ओके फ्रेंड्स, नहीं तो आपके मोबाइल के मैसेज बॉक्स में भी आपको मैसेज कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, आवेदन करने के बाद आपको आवेदन की स्थिति देखना है, तो यहाँ पे आना है बैक, और उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आवेदन की स्थिति देखें, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स लाभार्थी का आईडी और आधार नंबर से जो है सो चेक कर सकते हैं आवेदन की स्थिति। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है, तो सर्च करेंगे यहाँ पे आपको दिखा देगा उसका स्टेटस और रिमार्क अभी तक कहाँ पहुँचा आपका स्थिति आवेदन की। तो चलिए इस तरह से आप लोग, चलिए फ्रेंड्स एक बार और मैं फिल करने का प्रोसेस पूरा बता दे रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्या करना है, बेनिफिशियरी जिनके नाम से शौचालय लेना चाहते हैं यहाँ पे नाम डालना है, उनका पिता का नाम डालना है या पति का नाम डालना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद उनका उम्र डालना है, उसके बाद लिंक क्या है वो, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे आधार नंबर, और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स शौचालय निर्माण की स्थिति, आपका शौचालय जो आपका कब बना है उसका स्थिति डालना है। ओके फ्रेंड्स, शौचालय जैसे कि अगर फिलहाल में भी बना है तो आपको क्या करना है, 2 से 3-4 महीना पहले की ही डेट डालना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए नीचे हम करते हैं स्क्रॉल, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, यहाँ ब्लॉक का नाम डालना है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र का नाम सेलेक्ट ही रहेगा, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही शौचालय निर्माण किया गया है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ से पंचायत का नाम, यहाँ विलेज, उसके बाद वार्ड नंबर, यहाँ पे पूरा डिटेल्स अपना डालना है, पूरा पता जो आपका है, ग्राम पोस्ट पीएस थाना मंसूर चक जिला, जो भी आपका डिटेल्स है यहाँ पूरा डालना है। उसके बाद आपको शौचालय निर्माण स्थल के साथ, शौचालय निर्माण स्थल के साथ अपना फोटो खींचना, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कैमरा का ये है, तो अपना शौचालय के पास जाना है, वहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स कि जो जिन व्यक्ति के नाम से अपना शौचालय लेना चाहते हैं वहाँ पे उसको शौचालय के पास खड़ा करना है। उसके बाद आपका क्या करना है, आपको टैग फोटो पे यहाँ पे क्लिक करना है कैमरे के ऊपर, तो कैमरे के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, आपको क्या करना है शौचालय के साथ उनको खड़ा करके फोटो ले लेना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करना है आपको पंजीकरण पर क्लिक करना है, तो जैसे ही पंजीकरण पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे क्या होगा कि इंटरफेस आएगा आपको देखने के लिए कि अगर आप पंजीकरण करना चाहते हैं तो हाँ करें, नहीं तो नहीं करें। तो आपको पंजीकरण करना है तो हाँ करना है। उसके बाद जैसे ही हाँ करेंगे तो आपको क्या सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आईडी आपको दिया जाएगा, तो उसको क्या करना है फ्रेंड्स, अपने आपको लिख के रख लेना है। ओके फ्रेंड्स, नहीं तो आपके मोबाइल के मैसेज बॉक्स में भी आपको मैसेज कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, आवेदन करने के बाद आपको आवेदन की स्थिति देखना है, तो यहाँ पे आना है बैक, और उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आवेदन की स्थिति देखें, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स लाभार्थी का आईडी और आधार नंबर से जो है सो चेक कर सकते हैं आवेदन की स्थिति। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है, तो सर्च करेंगे यहाँ पे आपको दिखा देगा उसका स्टेटस और रिमार्क अभी तक कहाँ पहुँचा आपका स्थिति आवेदन की। तो चलिए इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।